नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित जांगीर और आज हम बात करेंगे मोती केयर के खास प्रोडक्ट के बारे में, जिससे हम तथा हमारे परिवार को मोबाइल से होने वाले नुकसान तथा उससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। हम सब मोबाइल के सभी फंक्शन जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग मोबाइल से होने वाली बीमारियों के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं किस समूह में बैठा था जिसमें मैंने मोबाइल से होने वाली बीमारियों से चर्चा की, लेकिन एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया कि मोबाइल से किसी तरह का नुकसान नहीं होता। हाँ, जब हमने इस बारे में बात की तो उसने कहा कि मोबाइल से क्या नुकसान होता है, लोग मैं फ़ोन चला रहा मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो। हाँ, ये बात जरूर सही है। जिस तरह एक दिन जिसे गुटखा खाने वाले व्यक्ति के दांत पीले होते हैं, लेकिन वो दांत कभी एक दिन में पीले नहीं होते हैं, एक महीने में पीले नहीं होते हैं, वो उसको ये लगातार यूज में रहता है, लगातार यूज में रहने से उसके दांत पीले हो जाते हैं। उसी तरह यही है कि कैंसर की बीमारी एक दिन में नहीं होती, एक महीने में भी नहीं होती, उसके टाइम लगता है कैंसर की बीमारी होने में। इसी तरह मोबाइल है, मोबाइल भी हम लगातार यूज में लेते हैं, मोबाइल से बहुत सी बीमारी होती है। हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति है जिनके बच्चे होने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे होने में बहुत दिक्कत होती है, उसका एक कारण मोबाइल है। बहुत सी औरतें हैं जो अपने फ़ोन को नीचे ले यहाँ पर लगा के रखती है, साड़ी के ऊपर जस्ट यहाँ पर अपने फ़ोन को रखती है, जिसके कारण मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन किरणें वो महिलाओं को उस अंडाणु से कांटेक्ट में आते हैं, जिससे उन पर घातक प्रभाव पड़ता है। तथा लड़के या व्यक्तियों की बात करूँ, वो अपने जेब में फ़ोन रखते हैं, जिससे मोबाइल की रेडिएशन किरणों से व्यक्ति के सकराणों पर बहुत ही घातक प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा मोबाइल से हार्ट की बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है। मोबाइल से देखा जाए तो इस तरह की बीमारी भी होती है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए, आजकल हम सुनते हैं कि आजकल का खान पान इस तरह का है कि जिससे हमारे काम करने की शक्ति बहुत कम हो गई है, बहुत सी बीमारी लग जाती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि मोबाइल्स को एक बार अगर व्यक्ति यूज में लेता है दिन में, उससे व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो आधी हो जाती है। जी दोस्तों, ये सुनने में बिल्कुल मजाक लगता है, लेकिन जब इस प्रयोग को मैंने अपने ऊपर आजमाया या उसको किसी अनुसंधान में इस प्रयोग को मेरे ऊपर आजमाया, तो मैं खुद ये सोचकर या देखकर बिल्कुल मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मोबाइल से एक बार फ़ोन आने से, मोबाइल एक बार हाथ में लिया, मोबाइल को एक बार हाथ में मेरे पास फ़ोन आता है और उस फ़ोन से मेरी जो कार्य करने की क्षमता है, जो वो एनर्जी है, वो बहुत ही कम हो गई है। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको इसी प्रयोग को मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा, जिससे आप ये खुद देख कर कुछ अचंभित हो जाऊँगे कि हाँ, मोबाइल से इस तरह का नुकसान भी होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हम अगर बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, मतलब कि हम हमारे बच्चों को सिगरेट हाथ में दे रहे हैं। सुनने में बिल्कुल अजीब सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। मोबाइल से बहुत सी घातक बीमारी होती है दोस्तों। तो इसी के अनुसार, इसी परेशानियों को देखते हुए मोदी केयर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, रेडिएशन चिप, जिसको मोबाइल के पीछे की साइड लगाते हैं और उससे हमको मोबाइल से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, जापान के अंदर एक पत्थर होता है, उस पत्थर को अगर हमारे पास होता है तो उससे हम अपने मोबाइल से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। उसी चीज़ को मोदी केयर ने इसमें काम में लिया है, जिससे हम तथा हमने अपने परिवार को मोबाइल से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम।